ये सच में एक नया आइडिया जो शायद टेम्पररी बेसिस पर बनाया गया है। मैकलेरन का एक शोरूम जो है वो यहाँ पर बना दिया गया है। क्या ये गाड़ी भी चलती है? ये शायद डमी ही लग रही है, बाकी गेम के अंदर जाके पता चलेगा कि मैकलेरन जो है वो भगेगी कि नहीं भगेगी। ओके एक ओके सारे की तरफ एक स्लैमिन आ जाएगा डाउन यहाँ पर एटलस को जरूर कर दिया, बट स्काउट के पास एक मौका फ्री पास यहाँ पर देने एंड लेट्स जस्ट स्काउट यहाँ पर बड़े दिनों के बाद अपनी स्कारलेट और एक का कमाल दिखाने की पूरी कोशिश करेंगे। नियो बिल्कुल इनके सामने यहाँ पर उस जगह जाएंगे बट नियो का एडीएफ कार पर स्काउट को कर देगा डाउन। रोन ऑफ द स्नाइपर इन्वॉल्वड इन अ फाइट इन द क्लोजेस्ट सिनेरियो विद द टीम टीएसएम एंटिटी हैविंग दैट बैरल 1v1 के फाइट रन गोस आउट नाउ एजेंट बिना किसी कैजुअलिटी के बैक टू बैक यहाँ पर टीएसएम का अटैक चल रहा है। Tempest, the solo man standing, सारी जो होप तो लाइव है वो भी Tempest से है। एक अच्छी M2 फोकर इनके पास आ चुकी है, but it's gonna be too much tough for the team RIP के Tempest के लिए। एक ग्रेनेड जो है वो यहाँ पर कुक कर दिया जाएगा, बड़ी एंगल पे ये ग्रेनेड रिकॉर्ड को बहुत ज्यादा लो जरूर करेगा। सामने से परितोष ओपन एरिया में आ रहा है, ओपन परितोष को डाउन करने का मौका, जी हाँ परितोष को यहाँ पर नॉकआउट कर दिया जाएगा। नियो और जी गॉड बचेंगे, दोनों की हेल्थ काफी ज्यादा कम। एक अच्छे एंगल से एक अच्छे एरिया से अगर एंट्री ली जाए मौका बन सकता है। नियो ने अपने आप को नॉक कर लिया, सारंग ओपन एरिया से आ रहे हैं, सारंग यहाँ पर अगर डाउन हो गए तो जी गॉड के साथ एक 1v1 की फाइट रहेगी। टेम्पेस्ट की तरफ आएगा नेट, जी गॉड यहाँ पर अकेले बचेंगे जरूर, बट सामने की टीम का जो अकेला बचा प्लेयर था उनको बढ़िया तरीके से एलिमिनेट करा। दो प्लेयर्स अनफॉर्चुनेटली डाउन जरूर हो गए और नियो का जो नेट था वो ओवर कुक हुआ। अब हो सकता है इसके बीच में कुछ ग्लिचेस फेस करने को